तो नेक्स्ट टॉपिक है आगे बढ़ते हुए फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। अब क्या हुआ कि अभी तक ये जो पीछे के जो साइंटिस्ट जो काम कर रहे थे, जो भी हमने सारा सुना, तो उन्होंने सारा एक्सपेरिमेंट ये मानते हुए कर दिया कि लाइट या जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो एक वेव नेचर है। तो इसको बोलते हैं वेव पिक्चर। वेव पिक्चर का मतलब वो एक वेव पिक्चर को देखते हुए अपने आंसर को दे रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। वेव थ्योरी कहाँ फेल हो रही है? तो वेव थ्योरी ये मानती थी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विद कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ओवर द रीजन। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी है या मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी है और डिस्ट्रीब्यूटेड एक रीजन में। ओवर विच वेव एक्सटेंड, जहां जहां वेव जाएगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी जाएंगी। तो दिस इज वेव पिक्चर ऑफ लाइट। तो वेव पिक्चर का मतलब ये नहीं है कोई पिक्चर दिखेगी, मतलब कि इसका पॉइंट ऑफ व्यू को पिक्चर का नाम दे रहे हैं, जैसे कोई भी वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं वेव का पिक्चर। तो वेव पिक्चर ये कहती है कि ईएम वेव है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। तो द वेव पिक्चर कुड नॉट एक्सप्लेन द बेसिक फीचर ऑफ लाइट एज एक्सप्लेन। अब बात इलेक्ट्रॉन की नहीं हो रही, अब बात किस पे आ गई है, रिसर्च लाइट पे चली गई है कि लाइट जो अभी तक लोगों ने हमें बताई 1906 में आइंस्टाइन ने ये बताया था, तो जो 1906 तक 100 साल से जो लाइट पढ़ रहे हो उसके अंदर लोगों को ये नहीं पता लग रहा था कि फोटोन्स भी हैं। तो अब ये बाहर निकल के आई बात इस एक्सपेरिमेंट से। क्या फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी व्हेन अ वेव फ्रंट ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ मेटल सरफेस, जब एक वेव फ्रंट स्ट्राइक करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द सरफेस एब्जॉर्ब द रेडिएंट एनर्जी। तो ठीक है, वेव का नेचर तो यही है, वेव गिरती जा रही है, वेव फ्रंट गिरता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता जा रहा है। जब वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रेटर द इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी ग्रेटर का मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, क्योंकि लाइट तो बनी हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो अगर मैं बोलता हूँ इंटेंसिटी बढ़ी, तो ये थोड़ा ना पता है कि फोटोन्स की बनी हुई है। क्लासिकल वेव थ्योरी मानती है कि इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बढ़ा है। तो अगर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बढ़ा है, तो हायर इंटेंसिटी शुड लिबरेट फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। तो फिर लॉजिक तो ये बोलता है कि जितनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती रहेगी वेव की, उतने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता रहेगा और उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन भागेगा भी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो वेव थ्योरी कहती है कि हायर द इंटेंसिटी ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी, लेकिन लॉ क्या कहता था कि इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना है ही नहीं। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, यानी कि या तो वो थ्योरी गलत है, या फिर वेव की थ्योरी गलत है, या वो जो एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया वो गलत है, या तो फोटो इलेक्ट्रिक के लॉज गलत है, या फिर ये वेव की थ्योरी गलत है। क्योंकि वेव की थ्योरी तो ये बोलती है भाई इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा है वेव की, तो ज्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को भागना चाहिए, ठीक, जो कि ऐसा नहीं है, इंटेंसिटी से लेना देना ही नहीं है, तो यही तो बता रहा है। बट कॉन्ट्ररी टू द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या कहते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी दोनों थ्योरीज में। नेक्स्ट है, वेव थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि वेव थ्योरी कहती है कि वेव देते जाओ कभी तो यार एब्जॉर्ब करके एनर्जी गेन कर ही लेगा इलेक्ट्रॉन, कभी तो भाग ही लेगा, ठीक, लेकिन ऐसा है ही नहीं। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट है। तो वेव थ्योरी क्या कहती है, एज इट स्टेट्स दैट नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, भाई जब आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो आपने एनर्जी बढ़ा दी, और जब आपने एनर्जी बढ़ा दी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिए, इलेक्ट्रॉन को तेज भाग रहा है, तो लाइट ऑफ सफिशियंट इंटेंसिटी शुड बी एबल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सर्फेस ऑफ द मेटल। तो इसमें फ्रीक्वेंसी का तो कोई जिक्र हुआ ही नहीं, सारा काम इंटेंसिटी एक्सप्लेन कर रहा है, जबकि ऐसा रियलिटी में है ही नहीं, फिर से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया लॉ के साथ। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर फाइनाइट टाइम टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस। भाई इलेक्ट्रॉन, वेव थ्योरी कहती है कि वेव गिरेगी, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, गर्मी लेगा, एनर्जी लेगा, तब जाके वो भागेगा, इतने में तो समय लेगा। लेकिन अपना लॉस क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, वेव गिरती है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन बाहर, ये भी कॉन्ट्राडिक्शन है। तो या तो ये थ्योरी फेल हो गई या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फेल हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फेल नहीं हुआ, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तो हुआ था, इलेक्ट्रॉन तो बाहर आए थे, तो वो रिजल्ट तो ठीक थे, तो कहीं ना कहीं इसकी रेक्टिफिकेशन जरूरी है, राइट। तो अब क्या आया, अब आया आइंस्टाइन पिक्चर में, उसने सारी गेम समझ ली और उसने कहा मैं समझाता हूं कि हुआ क्या एक्चुअल में।
तो सारा कुछ समझने के बाद उसने अपनी थ्योरी दी, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट।